हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल जे टू सर को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड क्या करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करना है और एक्स के वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं, ठीक है, तो पहला टर्म स्क्वायर टर्म्स नहीं है क्योंकि टू का टू तो स्क्वायर है नहीं किसी का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे वी हैव 2x² + x - 4 = 2। इतना लिखने के बाद बोथ साइड क्या करेंगे, दो से डिवाइड कर देंगे, लिखेंगे डिविजिबल बाय 2 बोथ साइड। दो से डिवाइड करते हैं 2 से, इसमें डिवाइड करेंगे क्या होगा, ये x² बचेगा प्लस इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो x/2 हो जाएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार में कट जाए इक्वल टू 0। अब इसे हमें a प्लस बी या a माइनस बी को ही होल स्क्वायर बनाना है। ठीक है, तो हम जानते हैं, देखो फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर तो दिया नहीं है, सेकेंड स्क्वायर नहीं दिया है ना, प्लस 2 दिया है इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड। सेकेंड का मतलब यदि 4 लिखता हूँ तो 2 बचेगा यहाँ से, मतलब सेकेंड क्या है 1/4 है इसी का स्क्वायर। ठीक है, जब उसके बाद क्या माइनस, इतना ऐड किया तो इतना माइनस करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16, इतना मैंने ऐड किया तो इतना माइनस करना पड़ेगा, फिर बचा क्या -2। एक चीज़ को बस ध्यान रखना, ए प्लस बी या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो क्या ऐड करूँ या क्या माइनस करूँ। तो मैंने इतना ऐड किया 1/4 ऐड किया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, जब इतना ऐड करूँगा तो इतना माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये फर्स्ट प्लस सेकेंड का होल स्क्वायर है, फर्स्ट प्लस सेकेंड का होल स्क्वायर। अब देखो ये दोनों माइनस है, इन दोनों माइनस उस पर भेजते हैं तो ये माइनस उस पर जाएगा तो +2, ये माइनस ए भी 1/6। इसका एल्सियम ले लेते हैं, एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, एल्सियम क्या है 16, तो 16 2 32 + 1। ठीक है, तो एक्स प्लस 1/4 ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 33/16। ठीक है बच्चों, अब जब ये ब्रैकेट्स, ये क्या है, ये स्क्वायर हटता है तो अपने साथ क्या लेता है, साइड वाले का ये अंडर रूट ले लेगा 33/16। 33 तो अंडर रूट से बाहर नहीं आएगा बट 16 तो 4 आएगा ना, तो एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू ये प्लस और माइनस आता था है, तो अंडर रूट में 33 रहेगा अपॉन ये क्या होगा 4। ठीक है, इसमें दो कंडीशन, एक प्लस और एक माइनस करने पे हम निकालेंगे अभी। तो यहाँ से एक्स के वैल्यू निकालते हैं, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस रहेगा अंडर रूट में 33/4, ये उस पर जाएगा तो -1/4 यही होगा। मीन्स 1/4 को पहले लिखो या बाद में, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन के अनुसार नेगेटिव, पहले पॉजिटिव टर्न लेते हैं, ठीक है, यहाँ से पॉजिटिव टर्म लेंगे तो यहाँ से पहले यहाँ पॉजिटिव टर्म लेंगे, प्लस लेंगे अंडर रूट 3/4 -1/4 है ना, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह हम क्या लेंगे, अब नेगेटिव टर्म से ले लेंगे, अब नेगेटिव टर्म लेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस इसका आगे नेगेटिव हो जाएगा माइनस अंडर रूट में 33, एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट 4। तो हम क्या जाने, द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, इसलिए क्या होगा, द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन आर, पहला आया था मेरा अंडर रूट में 33/4 -1 एंड अंडर रूट में माइनस अंडर रूट में 33 -1/4। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे हमारे YouTube चैनल J2 सर को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बच्चों।